नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ नया सिलते हैं। रेडी हो गया मेरा टेडी। आज आप सीखेंगे बेबी फ्रॉक। तो बेबी फ्रॉक हमने पुराने सलवार सूट के कपड़े से लिया है, सेम उसी के पट्टी से इस तरीके का बेबी फ्रॉक बनाएंगे। तो ये पट्टी है, इसको इतना लेना है। अब ये जैसे आप देख रहे हो, नीचे थोड़ा चौड़ा है और ऊपर हमने इसको कम चौड़ाई में लिया है। जैसे ए का शेप रहता है, उसी तरीके से इसको लेके कटिंग करना है, आर्म होल बनानी है और ऊपर से। तो कपड़े को अस्तर के साथ रखना है और सामने को हमने थोड़ा सा डाउन किया हुआ है, पीछे को बराबर रखा है। सामने के पल्ले को थोड़ा सा शेप बना देते हैं, आर्म होल का शेप बनाएंगे यहाँ पर। यह जो बेबी फ्रॉक है वह 0 साइज बेबी फ्रॉक है। इसमें थोड़ा सा सामने को अंदर लेके इसको कटिंग करना है। अब इसके ऊपर रख देते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। अब इसको जैसे स्टिच नहीं हुआ है तो इसको स्टिच कर देंगे, ऐसे लगभग 2 पॉइंट 2 पॉइंट करके इसको सिलना है। थोड़ा सा दबाव दे करके इसको सिल लेना है, ताकि जो कटिंग का है वो अंदर जो कपड़ा है वो पैक हो जाए और ख़राब भी ना दिखे। अब जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसको इस तरीके से सफाई कर लेंगे। फिनिशिंग तो ज़रूरी है सिलाई में। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक पल्ले की सिलाई कर ली है। अब दूसरे पल्ले को भी सेम उसी तरीके से सिल लेना है। इस तरीके से सिलते जाएं दोनों पल्ले में। ज़्यादा कुछ नहीं है, एक कट का जो बेबी फ्रॉक है वह बहुत जल्दी ही रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब इसमें इसमें बेल्ट को लगाएंगे इस तरीके का। बेल्ट पट्टी को अटैच करते हैं, तो अंदर तरफ इसको रखना है और सीधी तरफ से सिलाई लगानी है। इस तरीके से आगे पीछे करके इसको सिल देते हैं। दूसरा भी पट्टी इसी में अटैच कर लें, इसको भी सिल लेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्लाउज कपड़े का अभाव होने के कारण आपको ब्लाउज के डिज़ाइंस नहीं दिए जा रहे हैं मित्रों। इसी तरीके से यह जो अंतराल कम हो, इसलिए यह वीडियो आपके लिए भेज रहे हैं। जब हमारे पास कोई ब्लाउज का पीस आता है, तब हम आपको ब्लाउज के डिज़ाइंस और वीडियो लेकर आपको जो ब्लाउज हमारा जो मुख्य काम है उसको लेकर हम आपके पास ज़रूर आपको देंगे वीडियो बना करके। तो फिलहाल एक ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको देखें और सीखें, बनाएं। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ की सिलाई यहाँ पर कर ली है। अब इसको सीधा कर लेते हैं, सीधा करके देखते हैं। देखिए कितना सुंदर बेबी फ्रॉक बनकर तैयार है, इसमें बेल्ट के साथ और एक सुंदर सा फ्लावर के साथ। तो यह सामने का हिस्सा है जो आप पीछे पहले देखे, वो पीछे का है। अभी बेल्ट में हम कुछ और थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। बहुत सरल तरीके से कुछ भी बनाना वीडियो में आपको इस हमारे चैनल पर दिखाया जाता है, ताकि आप नया नया सीख रहे हैं तो सीख सकें और बना सकें। महत्वपूर्ण नहीं है कि कपड़ा कैसा है, महत्वपूर्ण यह है कि आपका डिज़ाइन और जो आपके कपड़े का ये है, आप जिस चीज़ को बना रहे हैं वो बहुत सही तरीके से बन जाए और एक नया लुक को, डिज़ाइन को पेश करके बना सके। तो इस तरीके से हमने बेबी फ्रॉक को तैयार कर लिया है और यहाँ पर हमने थोड़ा फ्लावर को इस तरीके से बना करके इसमें डिज़ाइन भी कर दिया है। तो आपको पसंद आया होगा, मुझे बनाने में तो बहुत खुशी हो रही है। आप देख रहे हैं और
ये मेरा टेडी जो है वो बेबी का फ्रॉक को पहन लिया है, और टेडी भी सुंदर लग रहा है तो आपका बेबी भी सुंदर लगेगा। इसी तरीके से बनाएं और पहनाएं और कुछ नया सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।